एक गलती के कारण शहर के सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उस शहर में हर तरफ तबाही मच जाती है। अब ये गलती क्या थी और ये सब कुछ कहां पर जाकर खत्म होगा, आइए जानते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि अमेरिका के किसी छोटे से जंगल यानी सेंचुरी वाले एरिया में बहुत से ऐसे पेड़ है जो तेजी से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से आने वाले समय में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है और वहाँ के लोग भूख के मारे मर भी सकते हैं। अब कहानी स्टार्ट होती है और हम लोनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक मिनी हेलीकॉप्टर को लेकर जा रहा है जो अब शहर के जंगलों में पेस्टिसाइड स्प्रे करेगा जिससे कि उन ट्री की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। अब लोनी जंगलों में स्प्रे करता है और वही हम तीन दोस्त मेड, रोबी और टॉमी को देखते हैं जो उन्हीं जंगलों में चिल कर रहे होते हैं और वो शहर में होने वाले किसी म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं और रोबी एक तरह के गंजे को कंज्यूम कर रहा है। अब टॉमी और मेड उससे पूछते हैं कि उसने ये चीज कहाँ से ली है। तब रोबी कहता है कि उसे ये चीज एक ओल्ड मैन के घर से मिली थी जो हमारे पास के घर में रहता है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर उस घर में पहुँचते हैं जहाँ से रोबी वो गांजा लेकर आया था। अब वहाँ पहुँचने पर वो ओल्ड मैन गेट नहीं खोलता है, जिसके बाद रोबी गेट को तोड़ देता है और अंदर जाकर वो देखते हैं कि वो ओल्ड मैन तो मर चुका है। अब इस बात को लेकर वो तीनों डर जाते हैं और वहाँ से जाने का सोचते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो मरा हुआ ओल्ड मैन जिंदा हो जाता है और टॉमी के हाथ को बाइट कर लेता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो ओल्ड मैन उनका पीछा करता है क्योंकि अब वह पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन गया था। लेकिन वो तीनों लोग एक नाले से निकलकर अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी उसी नाले में गिर जाता है और डूब जाता है। अब आगे हमें लोनी नजर आता है जो पेस्टिसाइड का छिड़काव करके उसी एयरपोर्ट पर लौट आया है और वो डॉक्टर फुकुशिमा और डॉक्टर लिन को सारी जानकारी देता है और कहता है कि उसने सारे शहर में स्प्रे कर दिया है और डॉक्टर लिन उसे बताते हैं कि हमें जल्द से जल्द और ज्यादा छिड़काव करके हमारे सिटी के पेड़ों और जंगलों के पेड़ों की ग्रोथ को बढ़ाना होगा। अब लोनी उन दोनों डॉक्टर्स को उस म्यूजिक फेस्टिवल के लिए इन्वाइट करता है जिसमें वो और उसके अंकल एड एक शॉप लगाएंगे और उसमें वो लोग किसी तरह की डिलीशियस फूड आइटम बेचेंगे, लेकिन वे दोनों डॉक्टर लोनी को बिजी शेड्यूल के कारण मना कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है टोनी के अंकल के घर पर जहां अंकल एड और टोनी मटन को साफ कर रहे हैं जिसे वो म्यूजिक फेस्टिवल में बेचेंगे और एड लोनी को बताता है कि वो इस फेस्टिवल से बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है और फिर उन पैसों से वे अपने कुछ सपने पूरा करना चाहता है। तभी वहाँ लोनी की आंटी नैन्सी आती है और उन्हें बियर देती है और अंकल एड नैन्सी से वादा करता है कि इस बार वो बहुत सारे पैसे कमाएगा। अब अगले सीन में हमें वो मेला दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे और वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें भी होती है, जहाँ हमें कुछ फ्रेंड्स का एक ग्रुप भी नजर आता है जिसमें रोबी की बहन कायला और कायले का बॉयफ्रेंड ट्रेंट और उनके साथ ट्रेस और जेनिफर भी होते हैं। ट्रेस और जेनिफर दोनों लेस्बियन होती है। अब ट्रेस एक शॉप पर जाती है और उसे दुकान वाले की हेकड़ी निकालती है क्योंकि वो दुकान वाला औरतों को कमजोर समझता है और ट्रेस एक हथौड़े से उस वेट को पास ओवर कर देती है। अब एक और हमें उसी एयरपोर्ट की लैब में डॉक्टर लिन को दिखाया जाता है जो फुकुशिमा को बताते हैं कि उसे भूख लग रही है और वो शहर में कुछ खाकर आने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब हम उस नाले को देखते हैं जहाँ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो वहाँ पर कुछ मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी मछलियाँ नहीं मिलती। लेकिन उस बेचारे को वह ज़ॉम्बी बड़ी बैरी में से मार देता है जो उसे नाले में गिरा था और फिर वह शहर की ओर जाने लगता है। अब उस फेस्टिवल में सारे लोग अपने GFBF के साथ घूमते हैं और वहाँ के शॉप्स पर जाते हैं जहाँ ट्रेंट कायला को लोनी की शॉप पर जाने को कहता है, लेकिन कायला मना कर देती है क्योंकि लोनी उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और एड लोनी को कहता है कि वो कायला को फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बना ले क्योंकि उसे यकीन है कि वो अब भी उससे प्यार करती है। वहीं एक तरफ हमें मिस्टर जॉनसन को दिखाया जाता है जो एड से हमेशा ही जलता रहता है क्योंकि एड के कारण उसके सारे बिजनेस ठप हो गए थे और फेस्टिवल में भी उसकी दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। एक तरफ ट्रिस और जेनिफर सबसे अलग होकर इंटीमेट होने लगते हैं जहां उन्हें रोबी और उसके दोस्त उन झाड़ियों से निकलते नजर आते हैं, जिसमें टॉमी को घायल देकर जेनिफर उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है और उन लोगों से पूछती है कि उनकी ऐसी हालत कैसे हुई, लेकिन वो दोनों सच को छुपा लेते हैं और फिर वे लोग मिलकर टॉमी को फेस्टिवल के मेडिकल शॉप पर ले जाते हैं जहां पर उसका इलाज होता है। वहीं एक तरफ हमें फेस्टिवल में शहर का मेयर लॉकवुड दिखाई देता है जो अपनी सेक्रेटरी मेलिता के साथ स्पीच दे रहा है और फेस्टिवल की तारीफ कर रहा है और साथ ही एड के शॉप की भी तारीफ कर रहा है और इसी बात से जॉनसन को बहुत बुरा लगता है और वो एक जोकर की मदद से एड का बिजनेस खत्म कर
करने का सोचता है। लोने भी अपनी पुरानी जीप कायला को फिर से मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बताती है कि अब वो ट्रेड के साथ है और वो उसके साथ बहुत खुश है। तभी उसे जेनिफर का कॉल आता है और वो उसे टॉमी की हालत बताती है। वहीं हम देखते हैं कि शहर में पहुंच चुका वो ओल्ड जोम्बी कई सारे लोगों को अपना शिकार बना रहा है। अब मेडिकल शॉप में भी जब टॉमी की हालत में सुधार नहीं होता है तो मेड सबको बताता है कि वो एक ओल्ड मैन के घर गांजा लेने गए थे जहां टॉमी को उसने घायल कर दिया था, जिसके बाद सारे लोग मिलकर टॉमी को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो ओल्ड जोम्बी अब कई सारे लोगों को अपना शिकार बना चुका है और वो उन सभी जोम्बी के साथ फेस्टिवल में पहुंच चुका है जहां पर वो और लोगों को शिकार बना रहा है। और हमें वो डॉक्टर दिखाया जाता है जो शहर में खाना खाने गया था, जो अब पूरी तरह चेंज हो चुका है और बहुत ही ज्यादा उल्टी कर रहा है। फुकुशिमा उसकी हालत देखकर उसको ट्रीट करने लगती है। इधर हम देखते हैं कि जिस कार से टॉमी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था उस कार में पेट्रोल ना होने के कारण टॉमी की वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे कायला ट्रेंट पर बहुत नाराज होती है। और वहीं इधर जॉनसन भी उस जोकर के साथ एड के टेंट में घुसकर उसके सारे खाने को खराब करने लगता है, लेकिन एड उसे रंगे हाथों पकड़ देता है और फिर वह उसे माफ भी कर देता है। वहीं लोनी देखता है कि फेस्टिवल में कुछ लोग एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं। इस बात से लोनी बहुत डर जाता है। इधर हम देखते हैं कि वे सारे जोम्बी फेस्टिवल में आ चुके हैं और वहाँ के लोगों को मार रहे हैं। हालांकि कायला के फ्रेंड्स उन्हें मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि टॉमी भी अब जोम्बी बन चुका है जो मेट को बुरी तरह मार देता है, लेकिन समय रहते रोबी उसे खत्म कर देता है। वहीं डॉक्टर फुकुशिमा लीन का इलाज करती है, लेकिन अब वो भी मर जाता है और फिर से जिंदा होकर फुकुशिमा पर अटैक कर देता है। लेकिन वह डॉक्टर लीन को खत्म करके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बाहर खड़े और जोम्बी उस पर हमला कर देते हैं। वहीं इधर रोबी को कायला डांटती है कि उसने टॉमी को क्यों मारा। तब वो बताता है कि टॉमी ऑलरेडी मर चुका था, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो हमें मार देता। अब जेनिफर और ट्रेस को एक कार में बहुत सारे हथियार मिलते हैं, जिसकी मदद से वो लोग बहुत सारे जोम्बीज को खत्म कर देते हैं और फिर उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। वहीं मेयर लॉकवुड भी इन सब चीजों को देखकर बहुत निराश है और कह रहा है कि मेरे शहर में ये सब कुछ क्या हो रहा है, और वो भी अपनी सेक्रेटरी के साथ वहाँ से भागने लगता है। अब हम देखते हैं कि सारी शॉप्स पर सिर्फ जोम्बी ही जोम्बी है जो बच्चे कुछ लोगों को भी खत्म कर रहे हैं। वहीं लोनी और एड गैस की मदद से एक जोरदार धमाका करते हैं, जिससे कुछ जोम्बीज मारे जाते हैं। वहीं ट्रेस और जेनिफर भी कई जोम्बी को मार रही थी। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि एक जोम्बी ट्रेंड को भी घायल कर देता है। तभी लोनी सभी बचे हुए लोगों को कहता है कि ये सब उस पेस्टिसाइड की वजह से हो रहा है, जिसके कारण सभी लोग जोम्बी बनते जा रहे हैं। और वो उन्हें एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए कहता है, जहां पर उन्हें वो डॉक्टर ही इस मुसीबत से बचा सकते थे जिन्होंने वो पेस्टिसाइड बनाया था। अब सारे लोग उसकी बात से एग्री हो जाते हैं और रोबी वहीं पर रहकर उन जोम्बीज को खत्म करने का कहता है, जिसके बाद वो सारे लोग एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं, जहां ट्रेस नैन्सी और जेनिफर को जोम्बीज घायल कर देते हैं। वहीं मेयर लॉकवुड भी अपने सोल्जर की मदद से आगे बढ़ते हैं और रोबी की मदद करते हैं, लेकिन इसी बीच उनकी सेक्रेटरी भी मारी जाती है। अब सारे लोग किसी तरह उस एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं जहां नैन्सी की मौत हो जाती है, जिसे एड अब अपने हाथों से खत्म कर देता है ताकि वो जोम्बी ना बने। अब सारे लोग डॉक्टर फुकुशिमा को ढूंढते हैं, जहां पर वो लोनी को मिल जाती है। वो देखती है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी है और वो सभी लोगों को बताती है कि उनका एक्सपेरिमेंट जो ग्रो नहीं कर पा रहे पौधों के लिए था, उसका असर उल्टा हो गया है और इसका रिएक्शन लोगों पर हो रहा है और लोग उसी पेस्टिसाइड के कारण जोम्बी बन रहे हैं। अब एड को फुकुशिमा पर गुस्सा आता है क्योंकि उसकी एक बेवकूफी की वजह से कई लोगों की जान चली गई, लेकिन लोनी कहता है कि उनका मकसद साफ था, वो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहती थी, उन्हें ऐसा बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे जोम्बी आ जाते हैं। अब फुकुशिमा बचे हुए पेस्टिसाइड को खत्म करने का कहती है और उस रिएक्टिव एरिया से उन्हें भागने के लिए कहती है, लेकिन वो उनके साथ नहीं जाती क्योंकि अब उसे भी जोम्बी ने काट लिया था। अब वो सारे लोग हेलीकॉप्टर से जाने लगते हैं, लेकिन एड वहीं पर रुककर वो पेस्टिसाइड खत्म करेगा और ऐसा बोलकर वो वहीं पर रुक जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर अब बहुत सारे जोम्बी आ चुके हैं जो हेलीकॉप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा देखकर एड उन सारे जोम्बीज का ध्यान अपनी ओर खींचता है ताकि लोनी और सभी लोग आसानी से अपनी जान बचा सकें। अब लोनी हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर लेता है और उस हेलीकॉप्टर की पंखियों से कई जोम्बी मारे जाते हैं, और वहीं एड भी कई सारे जोम्बीज को मार गिराता है, लेकिन अब उसे बहुत सारे जोम्बी घेर लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। अब यह सब कुछ देख लोनी बहुत दुखी होता है, लेकिन मरने से पहले एड बचे हुए पेस्टिसाइड को एक विस्फोट की मदद से खत्म कर देता है। और इधर लोनी और सारे लोग वहाँ से जिंदा बच निकलते हैं और लोनी को कायला उन लोगों की जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। तो दोस्तों, देखा आपने एक छोटी सी गलती के कारण कितने लोगों की जान चली गई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।